हनुमान मंदिर। जनता को सुविधा नहीं मिल रहा है, महंगाई बहुत ज्यादा हो गया है और जनता को इनकम कम बुझा रहा है। बीजेपी की सरकार है, सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपया आ गया। हमारे मोदी जी बोले थे कि 15-15 लाख रुपया आएगा, कब आ गया था, अब तो खत्म ही हो गया, दोबारा आने का। इनके अकाउंट में पहले ही 15 लाख आ गया है। जब योजना लागू हुआ था ना कागज पे, वो पहले ही अकाउंट में चला। इस बार मोदी, मेरा नाम अभिजीत है, आप News4 Nation देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव में अब कुछ महीने बाकी है, ऐसे में बिहार में बीजेपी अपनी सियासत में बदलाव किया है। जब से बिहार में जातिगत जनगणना का रिपोर्ट सामने आया है, यादवों की जनसंख्या अधिक बताई गई है, उसके बाद से बीजेपी और राजद दोनों यादव वोटों को साधने में लग चुकी है। अभी हम गया में हैं और गया स्टेशन पे, यहाँ पे दूर दराज से यादव दूध बेचने आते हैं। अब हम बात करेंगे इनसे, कहाँ से आए हैं और कैसे दूध बेचते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम विजय यादव है, मैं ग्राम गजाधर बिहार के निवासी हूँ और स्टेशन के बगल में रेलवे, आपका रेलवे। कब से दूध यहाँ पे बेचते हैं? हम तो दो चार छः महीना से बेच रहे हैं अभी। कितने लोग यहाँ पे दूध बेचते हैं? यहाँ कभी कभी 50 से 100 आदमी दूध बेचते हैं। अच्छा, तो गया शहर में यहीं पे दूध बिकता है? ना, गया शहर में दो जगह दूध बिकता है। और कहाँ बिकता है? एक टावर पर। अच्छा, एक टावर चौक। हाँ, टावर चौक नहीं, आजाद पार्क उसको बोलते हैं, गुलपत्थल के पास। अच्छा, और दूसरा नंबर रेलवे हॉस्पिटल स्टेशन के बगल में दूध बिकती है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग दूध बेचते हैं। कैसा बाजार है दूध का? बाजार का दूध का भी मंडी बहुत नीचे गिरा हुआ है। काहे गिरा हुआ दूध का मंडी? इसलिए कि हम लोग को दूध को खपत नहीं है और शहर की जो दुकान होता है वो। अच्छा, पैकेट वाला दूध से आप लोग मार करके? पैकेट वाला दूध से हम लोग मार खाए हुए हैं। अभी तो आप ही लोग का दूध लेकर पैकेट वाला दूध बनाता है? वो डायरी वाला जहाज जहाज से आकर के वहाँ से गाड़ी से लेकर के चले जाती है। इसका जिम्मेवार किसको को बोलते हैं? इसको जिम्मेवार को जी कहा है, सरकार का। सरकार आपका क्या कर रहा है? दूध को खपत नहीं कर रहा है हम लोग। अच्छा, सरकार आपका दूध लेगा? हाँ लेगा। कैसे लेगा? कैसे लेगा, जो रेट सरकार लगावे उस पर हम लोग देंगे। अच्छा, तो सरकार तो कई तरह के योजना भी दिया है आपको? हाँ, योजना दी है, लेकिन हर एक मनुष्य को या हर एक बाजार में उपलब्ध नहीं है। अच्छा, देहात देहात में इसका दूध का मंडी या शहर का पॉइंट दे जगह दूध बेचने के लिए कि हाँ। अच्छा, इनका कहना है कि सरकार हमारी व्यवस्था नहीं करी है, सरकार दूध बेचने का जगह दे, सरकार एक न्यूनतम मूल्य तय करे। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, अभी तय किया जाए। अच्छा, मूल तय किया जाए? हाँ, इसका मूल तय किया जाए। अभी कुछ दिन बाद लोकसभा चुनाव है, बीजेपी का सरकार है, कितना खुश है बीजेपी सरकार से? बीजेपी की सरकार से खुश हम लोग क्या रहेंगे, जब जनता को सुविधा नहीं मिल रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया है और जनता को इनकम कम बुझा रहा है। लगातार केंद्र सरकार तो किसान के लिए बहुत सारी योजना लाई है, सिंचाई योजना है, किसान सम्मान निधि योजना है, किसान क्रेडिट कार्ड है, कई तरह की योजना दिया है। योजना है, लेकिन हर एक किसान को मिल नहीं पा रहा है। क्या कह रहे चाचा? नेता लोग सब मिलता, हम लोग दूध बेचते हैं, लेकिन हम लोग के अब हाथ में नहीं ना रहा है। क्या नाम हुआ आपका? अर्जुन यादव। कहाँ से आए हैं? हम उदयबीघा गाँव से आए हैं। उदयबीघा गाँव से आए हैं जी। अच्छा, कितने दिन से दूध का कारोबार कर रहे हैं? हम तो करीब 10 साल के थे तबे, 50 बरस उम्र भी हो जा रहा है। 50 साल से ये दूध का कारोबार कर रहे हैं। अच्छा, तो कैसे देखते हैं, महंगाई ज्यादा बढ़ गया है? देखिए, महंगाई ज्यादा बढ़ गया, खाली चुनी हम लोग के बहुत महंगा हो गया। तो दूध भी तो महंगा देते हैं? दूध महंगा कहाँ मिलता है, 25-30 रुपये दूध बिकता है। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपया आ गया। हमारे मोदी जी बोले थे कि 15-15 लाख रुपया आएगा, और मोदी जी इनके अकाउंट में 15-15 लाख रुपया सारे यादवों के अकाउंट में भेज दिए हैं, इनका ये कहना है। अच्छा, आपके अकाउंट में 15 लाख आ गया है? कब आ गया था, अब तो खत्म ही हो गया, दोबारा आने का। इनके अकाउंट में पहले ही 15 लाख आ गया है। जब योजना लागू हुआ था ना कागज पे, वो पहले ही अकाउंट में चला। इस बार मोदी जी को ही वोट दीजिएगा? ऐसा में कहे के बात है, छूट के पड़ेगा, जब 15-15 लाख बिना कहले आ गया था। अच्छा, हाँ, मोदी जी को वोट की महंगाई है कि लोग देखे रहे हैं। 15-15 हजार रुपये तो दूर के बात है, 15 लाख दूर के बात है, 15 रुपया भी अगर आ जाता तो नीतीश कुमार को वोट नहीं कीजिएगा आप लोग? क्यों नहीं करेंगे, विकास के बात हो रहा है। अच्छा, नीतीश कुमार विकास कर रहे हैं? कर रहे हैं। 15 लाख मोदी जी भी तो दिए हैं। कहाँ दिए हैं, देते तो मिलता ना, देते तो दूध बेचते। तो कह रहे 15 लाख आए हैं, अभी इनका कहना है कि मोदी जी नहीं दिए हैं। नेता के हाथ में जाता है, जनता के हाथ में आवे तब ना हम लोग का दूध बेचते हैं। तो जनता के हाथ में तो सब कुछ, उस नेता को वोट मत कीजिए। नेते के मिलता है ना, हम लोग वोट देते क्या है? किसको वोट कीजिएगा इस बार लोकसभा चुनाव? जैसे वोट हम लोग देते हैं, ठीक ना,
महागठबंधन को दीजिएगा। हाँ महागठबंधन क्यों दीजिएगा महागठबंधन को, विकास कर रहे हैं। क्या विकास किए, का विकास का रोजगार है, देखिए सबको टीचर में बहाली निकाल रहे हैं। तेजस्वी यादव को सरकार बनेगा तो उसे और ज्यादा रोजगार मिलेगा। तेजस्वी यादव तो हम 10 लाख योजना देने का, रोजगार देने का वादा किए हैं पहले कैबिनेट में, दे रहे हैं लगा वैकेंसी दे चुके हैं युवाओं के लिए, आगे रोजगार सोच रहे हैं। तेजस्वी यादव तो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे ना, अभी तो मुख्यमंत्री बनाना है। तो अभी तो लोकसभा का चुनाव है, अभी चुनाव तो महागठबंधन से जिनका इंडिया से उम्मीदवार होगा उनको हम लोग वोट देंगे। नीतीश कुमार रहेंगे क्या, तो उनको वोट देंगे नीतीश कुमार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं दीजिएगा। कहे देंगे जब रोजगार के मुद्दे पर कुछ बात नहीं, खाली बोल रहे हैं, आकाश में बात कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, अकाउंट में 15 लाख आ रहे हैं। अपने आदमी को ना दे रहे हैं, आपको आदमी को दे रहे हैं और क्या दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? अपने कर्मचारी को 70,000-75,000 रिटायरमेंट दे रहे हैं तो किसको दे रहे हैं, कितना उनके पास है किस कर्मचारी? बीजेपी दो दिन पहले एक मिनट सुनिएगा, अभी गोवर्धन पूजा के दिन बीजेपी यदुवंशी सम्मान समारोह का आयोजन किया था, उसमें बताया गया कि 21,000 यादव बीजेपी का सदस्यता लिया, रामकृपाल यादव थे और केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय के साथ में थे, उनके साथ कई यादव जो थे वो नेता थे वो मिलकर के कई तो हजारों हजार यादवों का बीजेपी से सदस्यता। नेता के बालों से दूध ना बेच रहा है सर, तो दूध बेचने वाले ही तो कहते हैं गरीब का बाल बचा ना, वो तो सदस्य ग्रहण में क्या है, वो तो सदस्य ग्रहण कर रहा है। आप ही लोग होंगे ना नेता, वो तो उनको ना पता है कि क्या गरीब। पिछले दिन ही पटना में बीजेपी एक यादवों का सम्मेलन कराया था यदुवंशी सम्मान समारोह का, उसमें हजारों की संख्या में यादव शामिल हुए थे। बीजेपी के द्वारा कहा जा रहा था कि इसमें 21,000 यादव जो है वो बीजेपी के सदस्यता ग्रहण करेंगे, जिसका नेतृत्व भाड़ा पर जाता है। अच्छा भाड़ा, सब भाड़ा पर जाता है, जगते ना है आगे से जाता पीछे करता किराया 300 रुपये में दे करके। कैसे रामकृपाल यादव जीतते हैं आपके? क्या उनका अस्तित्व है? रामकृपाल यादव कोई अस्तित्व नहीं, बोलती बंद है। तो सांसद तो है पाटली राय से कहा मुथोपा है। अच्छा मुथोपा, मुथोपा है, हाँ मुथोपा है। नित्यानंद राय भी यादव वैल्यू है कुछ भी? अच्छा, कुछ भी नहीं तो है। यादव किसका फैले देते हैं? यादव में तेजस्वी यादव है, तेजस्वी यादव है, हाँ। पप्पू यादव ही यादव है ना, वो भी है समय के अनुसार, वो भी ठीक है समय के अनुसार, वो भी ठीक है। अभी हम गया के यादवों से बात कर रहे थे, इनका कहना था कि हम महागठबंधन को वोट करेंगे, महंगाई ज्यादा है, कई तरह के समस्याएं बता रहे थे। न्यूज फोर नेशन के लिए रिपोर्टर अभिजीत गया।